Hey, how's it going, everyone? My name is Marty Pan. Welcome back, everyone, to my second channel. तो guys, तुम में से I think 95% लोग मुझे जानते होंगे मेरी Minecraft की गेमिंग की वजह से. Throughout the years, मैंने Minecraft की बहुत सारी वीडियोस डाली and luckily भगवान की दया से guys, मुझे almost 5 million plus ऑडियंस मिली है Minecraft के दम पे. And जो guys, मेरे इनिशियल डेज थे Minecraft को खेलने के, वो जो दिन थे guys, मैं तुम लोगों को बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ. आज भी जब भी मैं वो Minecraft के इन गेम वाली जो म्यूजिक है जब वो सुनता हूँ ना मैं, तो मुझे वो सारे के सारे मोमेंट्स पुराने वाले याद आ जाते हैं जब मैंने फर्स्ट टाइम इस गेम को खेला था. एंड भाई मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा ऑसम फीलिंग होती है. लाइक वो नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग, वो पुराने वाली फीलिंग. तुम लोग कई बार कमेंट्स करते हो ना, पुराना स्मार्टी पाई वापस चाहिए हमें, या फिर कोई और गेमर के लिए तुम लोग बोलते पुराना वाला बंदा हमें वापस चाहिए. ट्रस्ट मी गाइस, हम लोगों को भी पुराना वाला बंदा वापस चाहिए. तो आज गाइस इसीलिए हम लोग इस मोमेंट को रिलीव करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, जिसका नाम है व्हेन गेमर्स प्लेस माइनक्राफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड यहाँ पर गाइस मेरी क्लिप भी है, स्मार्टी पाई गेमर फ्लीट उज्जवल मिथपैड एंड बीबीएस. अब इनमें से गाइस मैंने सिर्फ अपना थोड़ा बहुत मुझे याद है, मिथपैड का मैंने देखा था फर्स्ट टाइम पे जब उसने फर्स्ट बारी माइनक्राफ्ट खेला था, बट मैं भूल गया पूरी वीडियो को. फ्लीट भाई का, उज्जवल भाई का और बीबीएस भाई का मैंने नहीं देखा है. आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दैट वन एज वेल गाइस. एंड या ये देखने से पहले एक चीज है भाई, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं. वेट अ सेकंड. ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम बैक एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, तुम लोग इस चीज को देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो. अगर तुम लोगों को पसंद आएगा ना भाई, मैं चाहूंगा सभी के सभी लोग लाइक जरूर करना. एंड इस चीज को जो बनाया है ना मेरी दीदी ने बनाया मेरे लिए, तो उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है ना, उसके ब्लॉग की. 1 2 3 टन टन टन, व्हाट इज दिस, ये है हमारा छुटकू होगा लाला. भाई ये चीज को देख के कल, आई थिंक कल शाम को मेरी दीदी ने मेरे को दिखाया एंड भाई मेरा दिल खुश हो गया यार इसको देख के. मेरे को भाई मैं यहाँ पे रखने वाला, ठीक है ना, मेरे को यहाँ पे. कितना अच्छा बच्चा है यार, तेरे लिए स्पेशली मैं एक चीज भी लेकर आया हूँ. ले, हमारा पहाड़ी होगा लाला. ये बॉयज एंड गर्ल, जच रहा है हमारा पहाड़ी होगा लाला पीछे. भाई कैसा लग रहा, कमेंट सेक्शन में बताया तुम लोगों ने. मेरे को तो बहुत ज्यादा क्यूट लगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं. डर बिल्कुल नहीं लगा इस बंदे को देखकर यार, देखो इसकी शक्ल एक बार यार. भाई बहुत ऑसम लग रहा है तू. इससे बड़े तो मेरी बहन अगर क्वीन जैस्मिन बनाती तो मुझे ज्यादा खुशी. ए, किसने कुछ नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं सुना, वीडियो को एंजॉय करते चलो. ऑल राइट, सबसे पहले वर्ल्ड मिथपैड का वर्ल्ड पर्सन में है और हमें क्या करना है. All right. इसे तोड़ सकते हैं भाई, मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ यार, दिल की गहराइयों से बता रहा हूँ. जब फर्स्ट टाइम गेम के अंदर देखो, अभी तुम लोग ना मिथपैड का वो पॉइंट ऑफ व्यू देखो, एकदम ऐसे नॉर्मल वाला पॉइंट ऑफ व्यू है. मैंने अपना प्रो वाला पॉइंट ऑफ व्यू रखा होता अपना, तो मेरी गेम थोड़ी ऐसी अलग से दिखती है तुम लोगों को. एंड जब पहली बार गेम के अंदर मैं आया था, मैं तुम लोगों को अभी आगे सुनाऊंगा गाइस, अपनी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा मैंने कब गेम को परचेस किया, कब पहली बार खेला. तुम लोग हैरान हो जाओगे भाई सुन के कि मतलब किस्मत कहां से कहां ले जाती है इंसान को. मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा अभी, देखो तुम लोग आगे. बस पानी है, चलो पानी भाई, पानी पी सकते हैं. मिथपैड तभी स्टार्टिंग से लेके पसंद है, छोटी छोटी चीजें जिसको हम लोग इग्नोर कर लेते रहे ना, उस पे फोकस करके बंदा कॉमेडी निकाल देता रहा. सो दैट इज द मेन थिंग भाई, मेरे को इसीलिए बंदा बहुत पसंद है यार. अभी भी पसंद है यार, ऐसी कोई बात नहीं है. आगे देखते हैं भाई, चलो रेसिपी बुक कैसे भाई. चेक करें रेसिपी बुक. मैं मजाक नहीं कर रहा गाइस, जब पहली बार मैंने भी गेम के अंदर पानी देखा था तो मुझे लगा था शायद इसको हम लोग पी सकते हैं, शायद हम लोग नहा सकते हैं, बट वो अलग बात है, मैंने वीडियो के अंदर नहीं दिखाया. आई वाज सो कंफ्यूज, मैंने करना क्या, अभी पता ही नहीं था गेम के अंदर करना क्या है. भाई साहब कैसे चेक करना है यार, बोलते हो तुम लोग चेक करो. ये फूल चाहिए मुझे, इधर सनफ्लावर है. ए मुझे किसी का तो आवाज आ रहा है, किसी का तो आई थिंक ज़ॉम्बीज की आवाज होगी पक्का. यो ज़ॉम्बी है भाई, मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आ गया जब मैंने पहली बार जब मुझे गेम के अंदर आई थिंक चुड़ैल दिखी थी, विच दिखी थी फर्स्ट टाइम पे, ज़ॉम्बीज दिखे थे. मेरे को समझ नहीं आ रहा था विच को मैं मारने जा रहा हूँ और वो मेरे ऊपर वो पोशन फेंक रही थी एंड मैं मर रहा था फालतू में. एंड आई वाज लाइक भाई मुझे कौन मार रहा है, वो दूर से पोशन फेंक के मार रही थी. आई हैड नो आइडिया ब्रो, बहुत अजीब था मतलब. एंड बाय द वे ये जो मीम है अभी जो सामने चल रही है, ये अभी सेंस बना रही है, ठीक है ना, बट जब फर्स्ट टाइम पे आप गेम खेलते हो आपको सुनाई देती है ज़ॉम्बी की आवाज़, तो भाई डर लगता है यार. ये लेजिट रिएक्शन था उसका, मतलब मजेदार गेम भाई, मानने वाली बात है यार, बहुत मजेदार गेम है ये. Leave a like for this craziest incident. Okay, craziest incident. कोई तो है. Let's see. Hey, कौन है, किधर है? उसको आवाज आ रही गुफा से नीचे से. प्राणी इधर. यहाँ पे क्या? ज़ॉम्बी ग्रोन, यहाँ पर ज़ॉम्बी है. उसको दिख नहीं रहा है ज़ॉम्बी सिर्फ, है ना, विलेज के आसपास. यो फ्लीट भाई लेट्स गो. मैंने बिल्कुल भी फ्लीट भाई के स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी, लाइक फर्स्ट टाइम पे उन्होंने गेम को खेला कैसे था, है ना, तो मैं आप देखना चाहता हूं यार, जो इतना प्रो है बंदा आज के टाइम पे उनकी शुरुआत कैसे हुई है. लेट्स सी जंगल के फ्लीट भाई कितने पतले लग रहे हैं यार अभी, लेकिन एक बात तो है भाई, जंगल के बीच में भी नहीं भाई, ओशन के बगल में. अरे वैसे स्पॉन बहुत लकी है, क्या करता है तेरी तो भाई, ओशन के बगल में छोड़ दिया हम लोगों को. चलो ठीक है कोई नहीं, देखते आसपास कुछ मिल जाए तो ठीक है. ओके
भाई एटलीस्ट। तो गाइस जैसे कि हम लोग करते हैं जब भी गेम स्टार्ट होता है गाइस माइनक्राफ्ट में, आपको स्टार्टिंग में लकड़ियां तोड़नी होती है जो कि पेड़ से मिलेंगी, बहुत ही इजी। देखो भाई उनको कम से कम नॉलेज तो है इतनी, यार मेरे को तो कुछ नॉलेज नहीं थी भाई, मेरे को तो पता ही नहीं था करना क्या है। मैंने पेड़ देखे, फालतू में पेड़ तोड़ने स्टार्ट कर दिए, डर्ट तोड़नी स्टार्ट कर दी, कुछ पता ही नहीं था भाई हो क्या रहा है जिंदगी में, चल क्या रहा है, सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को। न्यू रेसिपीज अनलॉक, तो ठीक है हम लोग एक दो पेड़ तोड़ते हैं पहले, उसके बाद हम लोग अपना काम आगे को बढ़ाते हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग कुछ पेड़ तोड़ेंगे और उसके बाद थोड़ा खोज में निकले, हम लोगों को कुछ बकरियां भी ढूंढनी होगी क्योंकि हम लोगों को रात का रात माइनक्राफ्ट में सबसे हार्ड होती है भाई। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। पहली अगर तो तुम देखो आज के टाइम पे अगर मैं कोई नया वर्ल्ड बनाता हूँ तो मेरे को कभी भी लाइक ऐसा फील भी नहीं होता, मैं लिटरली बोल रहा हूँ आते ही वुड्स शीप सबको पेल पूल के भाई अपन पहली नाइट का जुगाड़ विद इन 20 सेकंड्स कर लेता हूँ मैं हमेशा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। बट उस वक्त भाई साहब एक तो पता नहीं चल रहा करना क्या है, तब शीप को ढूंढने इधर जा रहे हैं, फिर एक शीप मिल रही है दूसरी नहीं मिल रही है, उस वक्त तो पता नहीं क्यों भाई जब आप नूब होते हो ना तो आपकी किस्मत भी उसी वक्त खराब होती है। आज के टाइम पे कभी किस्मत खराब नहीं होती भाई, पहले नूब भी थे तो किस्मत भी खराब तभी होती थी, पता नहीं भाई क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना है कहाँ रहे। देखा 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 मैंने बोला, उन्होंने एग्जैक्टली वही लाइन बोली, तुम्हें पता नहीं होता करना क्या। और ओ ये खूबसूरत इंसान कौन है भाई, ये तो तुम्हारा स्मार्टी भैया है। एंड दिस इज माय माइनक्राफ्ट वर्ल्ड गाइस वेलकम। और हम आज इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही प्यारी सीरीज होने वाली है। और देखो भाई खुद ही ये भगवान स्पार्टी तो क्या इंसान है यार भाई, खुद ही डिक्लेयर करते बहुत ही प्यारी सीरीज होने वाली है, मतलब क्या है भाई तू है? ऐसा कोई अपनी कोई तारीफ करता है क्या मुंह से यार, बट कहने की बात तो कह सच्ची है। ये है, ये मेरा हिमलैंड सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 है भाई, और आज के दिन मैंने अपना सीजन 5 का फिनाले का फर्स्ट पार्ट डाला है। देखो अभी ऑलमोस्ट लाइक 2:30 बजने वाले हैं और आधे घंटे में अपलोड भी होने वाला है वाला पार्ट हमारा, अगर तुम लोगों ने वो भी नहीं देखा तो वो भी देख लो भाई। एंड यस गाइस जो मेरे पहला ये जो मेरा वर्ल्ड तुम लोग अभी सामने देख रहे हो ना मुके, ये वाला वर्ल्ड मेरा पहला वर्ल्ड नहीं है, इससे पहले मैंने एक वर्ल्ड बनाया ऑलमोस्ट डेढ़ महीने पहले। ठीक है ना, मैंने 1-1.5 महीने पहले गेम को खरीद कर रखा था, फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, बट मैंने क्या कि मैंने गेम के अंदर गया और भाई साहब सोचा कि थोड़ा खेल के देखते हैं गेम को भाई, और लोग भी खेल रहे हैं तो भाई। एंड जैसे भाई मैं गेम के अंदर गया, मैं तुम लोगों को लिटरली बता रहा हूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है भाई, पेड़ पूड़ दिख रहे हैं, पेड़ खोदूं क्या करूं मतलब मैं, और मुझे इतनी बोरिंग लगी है गेम भाई साहब कि मैंने छोड़ दिया। एंड 1.5 महीने के अंदर अंदर जब मैंने देखा कि भाई सभी लोग खेल रहे हैं एंड सभी लोगों के व्यूज आ रहे हैं, एंड देन आई वाज लाइक कि भाई देखो यार ऐसा है, अब एक ट्रेंड आ चुका है इंडिया के अंदर, अब ट्रेंड को अगर मैंने ग्रैब नहीं किया, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया तो मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम। एंड भाई जब गेम को खेलना स्टार्ट किया तो उसके बाद ऑलमोस्ट 2-3 महीने के अंदर भाई मजा आ गया भाई, मतलब सीरियसली बता रहा हूं मैं, लव यू गाइस सीरियस दिल से बोल रहा हूं मैं ये चीज। ओहो भाई साहब स्टार्टिंग में ही हमको मिल चुकी है एक, एंड तुम लोग एक बात बताऊं मैं भाई, इतना गंदा स्पॉन था मेरा, देखो एक बार देखो तो मैं कितने पेड़ों के बीच में खड़ा हुआ यार, स्प्रूस वाले स्प्रूस कौन से पेड़ है, जो भी पेड़ है भाई है, मैं इतनी घटिया बायोम के अंदर आया था फर्स्ट टाइम पे कि भाई मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को, किस्मत खराब थी मेरी। मैं जगह को एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि हमें यहां पर क्या-क्या चीजें मिल सकती है। अरे परे मुझे इतना पता है कि हम लोग यहां पे पेड़ पूड़ को खोद सकते हैं। अब देखो मुझे क्यों पता है इस चीज के बारे में कि हम लोग पेड़ पूड़ को खोद सकते हैं, मुझे इस चीज के बारे में गाइस इसीलिए पता था क्योंकि 1-1.5 महीने से लेकर मैं औरों की वीडियोस वगैरह देख रहा था कि भाई करना क्या है गेम का, दैट्स व्हाई, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल था भाई अपने लिए। ये है हमारी जर्नी की शुरुआत माइनक्राफ्ट की। ये गड़बड़े बाबा। ओह, ओके। हाँ यहाँ पर था। ओके। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्लैंक बना सकते हैं। यार भाई ये चीज देख के मुझे इतना अजीब लगा यार। सोचो तुम लोग गाइस, तुम लोग सोचो यार उस वक्त की बात है जब मैं वुड से प्लैंक बनाने की बात कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने। सोचो तुम लोग मैं कमेंट्री में हो रहा कि भाई ये देखो ये वुड है इससे मैं प्लैंक बनाता हूँ, फिर मैं फर्स्ट टाइम क्राफ्टिंग टेबल बनाई होगी। और आज के टाइम पे तुम लोग सोचो भाई हम लोग हिमलैंड में क्या ही कर रहे थे भाई, नेदरराइट के आर्मर भाई लेवल 1000 लेवल तक के आर्मर्स हमारे को ऐसे चुटकी में बजा के मिल जाते हैं। सोचो तुम लोग भाई कितना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड हो चुका आज के टाइम पे गेम का, है ना, सारी बेसिक चीजें पीछे रह चुकी है भाई साहब। डीबीएस लेट्स गो। इतना डिप्रेस्ड नेम रख रहा है, क्या टाइम आ गया है, क्या जमाना आ गया है यार। 20 हो चुका, कितना अच्छा वाला स्पॉन मिला पानी के पास। We are in Minecraft. Hello. Okay. अरे ये तो हर गेमर जानता है क्या क्या अभी मैंने डैमेज लिया और नया हूँ मैं, तरस खा लो। हाँ तो लास्ट टाइम भी मैं ऐसी किसी दुनिया में चला गया था और मैं सिर्फ यही करने लग रहा था पूरे एपिसोड। आई थिंक ये वो वाला वर्ल्ड है हमारे बीबीएस का जब उसका ना फर्स्ट टाइम पे डिलीट हो गया था माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, तब उसने नया वर्ल्ड बनाया था शायद से, जितना मेरे को याद है ऐसा हुआ था उसके साथ। जाके हमें क्या करना है। ओह शिट डूड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लोग चेक योर रेसिपी बुक। ओके हाउ द एफएमएस रेसिपी।
मेरा जो गाइस अभी इस वीडियो के अंदर पहला वर्ल्ड दिखाया गया था वो मेरा एक्चुअली में सबसे पहला वाला वर्ल्ड था, वो डिलीट हो गया था, फिर मैंने एक नया माइनक्राफ्ट वर्ल्ड बनाया, आई थिंक सीजन नंबर 2 के लिए मैंने नया माइनक्राफ्ट वर्ल्ड बनाया था। आई रिमेम्बर नाउ एवरीथिंग, ओके यस याद आ गया मेरे को, मैं भूल गया था ये नो कि मैं एकदम ही नूब। ये उज्जवल भाई का भाई देखो, हां और मुझे इतना याद है उज्जवल भाई ने पहली बार गेम को खेलना स्टार्ट किया था बेडरॉक वर्जन पे, साबित हो जावा पे नहीं। तो चलो गाइस अभी हमें रैंडमली मैंने देखा कभी नहीं था छोड़ दिया गया, मतलब इसका जो मैप है ना एक टाइप से पूरा का पूरा भरा पड़ा अनलिमिटेड है। और भाई और मेन बात बताऊं तुम लोगों को भाई, सब लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है और मेरी किस्मत कितनी खराब थी। टेक्नो भाई का तुम लोग वर्ल्ड देखो, ओपन वर्ल्ड, सामने मुंह के सामने घर बना सकते हैं और अगर मर भी गए तो भाई स्पॉन पॉइंट भी मुंह के सामने ही है, समझो तुम लोग है कितना बढ़िया स्पॉन था। गुफा जा रही है ओ भाई साहब। मेरे साथ तो बल्कि बहुत बार ऐसा हुआ था भाई, मैं तुम लोगों को देखा गया इस क्लिप के अंदर कि मैं कहां पर स्पॉन हो गया था, ठीक है ना, लाइक मेरा स्पॉन पॉइंट कहां था। अब पेड़ों के बीच में घर बनाऊंगा तो वहां से मैं कम से कम 2 किलोमीटर दूर घर बनाया, वहां मर गया, स्पॉन हो गया, घर गुम हो गया मेरा भाई। हुआ है मेरे साथ ऐसा भाई। तुम लोगों ने मेरी सीजन 1 की वीडियो जरूर ना तुम लोगों को भाई नॉस्टैल्जिक भाई मजा आ जाएगा तुम लोगों को। मैंने सुना है ना माइनक्राफ्ट में गुफा के अंदर काफी सही सही सामान मिलता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। तो गाइस अभी हमें इस गेम के अंदर रात होने से पहले पहले अपना एक घर बनाना है। यस ठीक है समरिया, ये चीज पता होनी चाहिए भाई। माइनक्राफ्ट वर्ल्ड छोड़ने से पहले इतनी नॉलेज अगर तुम लोगों को हो गई कि भाई पहली नाइट सर्वाइव करने का जुगाड़ करना, अदरवाइज जब कोई बंदा पहली बार गेम खेलेगा नाइट में कहीं छुपने की जगह नहीं तो भाई गड्ढे में छुपना पड़ता है। मैं बहुत बार गड्ढे के अंदर छुपा हूं मैं, क्योंकि अगर बाहर रहेंगे तो इतने ज़ॉम्बीज़ इतने क्रीपर इतने स्केलेटन आते हैं कि डर लगता है, लाइक लेजिट डर लगता है भाई। अंदर एक क्राफ्टिंग टेबल होना चाहिए जिससे हम अपना सामान वान क्राफ्ट कर सके, मतलब जितने भी हथियार वेपन वगैरह। नॉलेज तो बुरी है बैठक ना भाई का। ओ भाई ये कौन घूम रहा आगे मकड़ी सा और ये कहीं पर सामान लेकर जा रहे हैं, शायद वर्षा टेप है। मकड़ी यार भाई, दैट वाज गुड यार। कुछ मॉन्स्टर जैसी शक्ल है तो भाई ये बंदो मेरे को गड़बड़ लेने लेने वाला, तो फटाफट से ना थोड़ी बहुत वुड इकट्ठी करते हैं और हमें ना रात में ज़ॉम्बीज आते हैं। नॉलेज इनको बुरी है भाई। आई होप यू एंजॉयड भाई, बहुत एंजॉय किया यार। मेरे को ना भाई मेरे को पुराने वाला टाइम याद आ गया, 2019 का टाइम याद आ गया यार। एंड बाय द वे 2019-2020 वाला टाइम माइनक्राफ्ट का ना बहुत अलग, लाइक वो एक ऐसा टाइम था जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कि मतलब क्या होगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। एंड देन 2021 में हीरो पर NSMP आई एंड देन इट जस्ट ब्लू एवरीथिंग, मतलब सब कुछ इतना हाई हो गया, इतने ज़्यादा व्यूज, इतना ज़्यादा सब कुछ हो गया। एंड देन फिर वो बंद हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने हिमलैंड्स का सीजन नंबर 3 स्टार्ट किया, रिमेंबर नाउ। एंड भाई मजा आ गया गाइस, तुम लोगों ने यार थ्रू आउट द ईयर्स बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखाया गया, सो थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन। एंड या होगा लाला की तरफ से भी आप सभी को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। एंड अभी हैप्पी दिवाली आने वाली है, एडवांस में बोल रहा भाई हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। एंड या गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना और इसके बनने की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है ना गाइस, उसको भी जरूर चेकआउट करना। बाय।